हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस स्टीम स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल। तो हमने इसके पहले समझ लिया था कि वैद्युत क्या है और आवेश क्या है। वैद्युत हमने बताया था एक प्रकार की ऊर्जा होती है। फिर हमने बताया था कि आवेश क्या है, तो हमने समझाया था कि आवेश किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। जब वो आवेश उस वस्तु के अंदर आता है तो दूसरी वस्तु पर एक बल लगाता है, जिसका नाम क्या था, वैद्युत बल। ठीक है, तो इसके बाद हमें उसी के आगे कंटिन्यू करना था। तो हेडिंग हमारी है आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बेसिकली हमने इसके पहले भी समझाया था कि चार्ज आवेश किसी वस्तु के अंदर क्या है, एक आंतरिक गुण है। और हमने कहा था कि जब ये चार्ज उस वस्तु के अंदर उत्पन्न होता है, डेवलप होता है, तो वस्तु क्या करती है, एक नया तरह का बल लगाती है, जिसका नाम क्या था, वैद्युत बल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्लियर ये समझना है, जैसे द्रव्यमान और चार्ज हमने पहले समझाया था, लेकिन द्रव्यमान तो एक ही प्रकार का होता है। द्रव्यमान जैसे किसी वस्तु का मास है 10 किलोग्राम, तो क्या कभी हम उसको थोड़ी कह सकते हैं कि माइनस 10 किलोग्राम। तो द्रव्यमान को तो हमेशा हम धनात्मक ही मापते हैं, उसको द्रव्यमान को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, ऋणात्मक में नहीं लेते हैं। लेकिन जो चार्ज होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, और एक होता है नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। तो एक्चुअल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मैटर है, तो ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें, और इसके पहले भी हमने समझाया था कि पदार्थ के अंदर जो आंतरिक गुण है आवेश, वो हमेशा उस वस्तु के अंदर नहीं रहता है। द्रव्यमान तो हमेशा रहता है, लेकिन आवेश उसको लाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे दो वस्तु ले रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे एक कांच ले लिया, कांच की छड़, गिलास की रॉड, और यहाँ पे एक हमने रेशम का टुकड़ा ले लिया, कपड़ा ले लिया। अब यहाँ पे अगर हमसे कोई कहे कि हम कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, फ्रिक्साइज करते हैं, तो अब ये बात तो क्लियर है कि रब करेंगे, क्योंकि रब करने से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। लेकिन यहां पे हम इस बात को क्लियर नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वही करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसी सब्सटेंस से होगा, उसी पदार्थ से होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो इसको इसकी हेल्प के लिए हमें एक सिनेरियो, एक सीरीज की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्लियर, तो यहाँ पे इस बात को देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जैसे हमने कहा कि कांच को हम रेशम से रगड़ेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन का हमने सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कांच से चला गया रेशम की तरफ, तो कांच कौन सा चार्ज लेगा, कौन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव धनात्मक, और रेशम पे कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक। लेकिन अगर हमें ये बात क्लियर थोड़ी है कि कांच से ही रेशम पे जाएगा, क्योंकि अभी हमको ये कोई रूल थोड़ी बताया गया है, लेकिन अगर हमें रेशम से कांच की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, केमिस्ट्री के दो एटम के थ्रू समझा देते हैं कि जैसे यहाँ पे हम बोले सोडियम और क्लोरिन की बात करें, सोडियम का 11 होता है, क्लोरिन का 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281-281 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287-287 होता है। क्लियर, यहाँ पे कुछ तो बात पता है कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एटम हो, नॉर्मली क्या करता है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अगर यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले, और या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका 8 बाहरी कक्षा में बच जाएगा। लेकिन रूल ये भी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है या इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो 4 तक लिमिट है, 4 तक वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और 4 तक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करना इसके लिए आसान है, क्योंकि ये 7 किसी से ले नहीं पाएगा, तो यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेता है तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, या तो ये 7 किसी को दे दे, तो 7 तो देना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन 1 लेना इसके लिए आसान है।
तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। तो यहां तो इस बात को हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे चार्ज पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है तो चार्ज नेगेटिव। लेकिन ये सब्सटेंस के भी हम नाम पे नहीं कह सकते हैं कि कांच इलेक्ट्रॉन देता है, रेशम लेता है तो कांच पे पॉजिटिव आएगा, रेशम पे नेगेटिव। लेकिन ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, कि वो पॉजिटिव चार्ज लेगा कि नेगेटिव लेगा, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे। जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो पॉजिटिव कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो चार्ज कैसा करेगा, नेगेटिव करेगा। तो इसी के लिए एक सीरीज बनाई गई है, क्लियर। बाकी हम यहां से डेफिनेशन तो लिख सकते हैं कि धनावेश और आवेश के डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं घर्षण के दौरान जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह पदार्थ धनावेशित होता है, और घर्षण के दौरान जिस पदार्थ पर या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कैसा आवेश आता है, ऋणावेशित आवेश आता है, मतलब वो ऋणावेशित वस्तु हो जाती है। तो यहां से देखो हम डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं कि घर्षण के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश की डेफिनेशन ये हो सकती है कि घर्षण के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। तथा पदार्थ के इस गुण को ऋण आवेश कहते हैं। तो जो हमने बताया कि आवेश दो तरह का है, धनावेश और ऋण आवेश, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि घर्षण के दौरान, जब हम बताया कि घर बिना घर्षण के, बिना उसको फ्रिक्शन किए उस पर आवेश नहीं, उस पर चार्ज, उस पर आवेश नहीं आएगा। तो घर्षण के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर कर देगा, मुक्त कर देगा, तो उस पर उस वस्तु को हम या उस पदार्थ को नाम क्या देंगे, धनावेशित कहेंगे, कि इस बॉडी के अंदर, इस पदार्थ के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पदार्थ के इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को क्या कहेंगे, धनावेश कहते हैं। इसी का उल्टा है कि पदार्थ घर्षण के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहां मुक्त करता है, यहां ग्रहण करता है, तो वह ऋणावेशित वस्तु कहलाता है, तथा पदार्थ के इस गुण को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, क्लियर। तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अभी जो सोडियम है, क्लोरीन है, तो हमने क्या समझाया था कि सोडियम का 2H1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन का हमने कहा था 2H7 है। एक इलेक्ट्रॉन ये जब बाहर करता है तो इस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सब्सटेंस में से लेता है तो इस पे चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ तो खैर हम इजीली पहचान ले रहे हैं एटम के अंदर कि कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, लेकिन अगर कोई वस्तु के अंदर आवेश पहचानना हो तो उसके लिए हमें एक सीरीज की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज।
तो यहां पे हेडिंग है धनावेश और ऋणावेश, की पहचान तो हमने कहा कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर रहे हैं, उनको रगड़ रहे हैं, जैसे यहां पे हमने कहा कि ये एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, अगर हम ए को बी से रगड़ रहे हैं तो यहां पे संभावना क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है इधर से इधर चला जाए, यह इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया तो यहां चार्ज पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, और अगर यहां से यहां आ गया तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। तो अब यहां पे समझना यह है कि पॉसिबिलिटी तो खैर एक ही हो सकती है, चाहे ये वाला पॉसिबल हो जाए चाहे ये वाला पॉसिबल हो जाए। तो इसी बात को समझने के लिए एक सीरीज की मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, वैद्युत स्थैतिकी श्रेणी के। जिस सीरीज का हमने बात किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हम जो दो चीज़ों को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उनमें से किस सब्सटेंस पे पॉजिटिव जाता है, किस पे नेगेटिव जाता है। तो सीरीज इस तरह से है कि सबसे पहले जो है गिलास, सबसे टॉप पे गिलास है, कांच है, उसके नीचे ह्यूमन हेयर है, मानव बाल, ठीक है, कैट फर है, बिल्ली की खाल है, स्किन ऑफ कैट है, फिर सिल्क है, पेपर है, कॉटन है, ऊल है, अम्बर है, रबड़ है, प्लास्टिक है, एबोनाइट है, सल्फर है। इस सीरीज में क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी इसमें सब्सटेंस टॉप पे है उसको पॉजिटिव चार्ज धनावेश धनावेशित होगा, और जो भी इसमें बॉटम पे है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, मतलब ऋणावेशित होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जिससे यहाँ पे ये सीरीज हमें हेल्प करेगी। जैसे अगर इसमें दो चीज़ों को हम रब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम गिलास को ले लें और इसमें हम सिल्क को ले लें, अगर इसमें ये तुमसे कहें कि गिलास और सिल्क को हम रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना चाहें कि अगर हम गिलास को सिल्क से रब कर रहे हैं तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो गिलास सीरीज में ऊपर है, टॉप पे है, और ये बॉटम है, इसके नीचे है, तो गिलास पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से इस तरह से हम बिल्कुल क्लियर वे में बता पाएंगे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर हम सिल्क को एबोनाइट से रब कर दें, एबोनाइट से रगड़ दें, अब यहां पे समझने की चीज है, जब गिलास को हमने सिल्क से रगड़ा तो गिलास ऊपर था, सिल्क नीचे था, अब यहां सिल्क ऊपर है और गिलास एबोनाइट क्या है, नीचे है, तो यहां सिल्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एबोनाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से हम किसी को भी ले सकते हैं, सपोज करते हैं हम पेपर को ले सकते हैं, पेपर को हम एबोनाइट से ले सकते हैं, तो पेपर क्या है, ऊपर है, तो ये प्लस में जाएगा, धनावेशित होगा, एबोनाइट क्या होगा, माइनस में जाएगा। इस तरह से हम गिलास को ऊल से रब कर सकते हैं, अगर हम कांच को ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच क्या होगा, ऊपर है, प्लस में जाएगा, और ऊन किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो यह इस तरह से हम इस सीरीज की हेल्प से इस बात को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसको हम सीरीज की हेल्प से ये बताने वाले हैं कि अब उसमें से कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव एक्वायर करेगा और कौन सा सब्सटेंस निगेटिव एक्वायर करेगा। तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया कि आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या है, फिर हम लोगों ने यह जान लिया कि आवेश के प्रकार में दो प्रकार है, धनावेशित और ऋणावेशित, फिर धनावेश ऋणावेश की पहचान कैसे की जाती है, कौन सा सब्सटेंस धनावेशित होगा और कौन सा सब्सटेंस ऋणावेशित होगा, तो उसको हम इस सीरीज की हेल्प से पहचान भी सकते हैं कि ये सब्सटेंस अगर इससे हम रगड़ेंगे तो जो टॉप पे है सीरीज में वो प्लस में जाएगा, धनावेशित होगा, और जो बॉटम में है, नीचे है, वो किस में जाएगा, ऋणावेशित होगा, ठीक है।